हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन टू फाइंड द रिजल्ट डन इन अ कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ये आज उसका फर्स्ट लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे कि कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में कैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, क्या उसकी स्टेप्स होती है, ये आज हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे। वैसे फोर्स सिस्टम क्या होते हैं, फोर्सेस के टाइप्स क्या है, उनके डिफरेंट डेफिनेशंस क्या है, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी इसके पहले अपलोड किए थे, और इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करना है, डिफरेंट टाइप से रिजोल्यूशन करने के बहुत सारे मेथड्स हमने इसके पहले स्टडी किए थे। अगर आपने इसके पहले के ये सभी वीडियोज अगर नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले के सभी वीडियो स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन का फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करना है। ये आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और ये हम कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो उसके लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजिशन। तो डायग्राम क्या रहेगा देखिए उसके लिए। तो फाइनली आज के लेक्चर में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन। इट मीन्स ये जो फोर्स सिस्टम दिया है, ये फोर्स सिस्टम के लिए आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय ये फोर्स सिस्टम कौन सा है, ये है कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब ये कोप्लैनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज ए कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। सभी फोर्सेस अगर एक सिंगल प्लेन में रहेंगे तो ऐसे फोर्स सिस्टम को कोप्लैनर फोर्स सिस्टम कहेंगे। उसी तरह से कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। इसका मतलब सभी फोर्सेस अगर एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे तो ऐसे फोर्स सिस्टम को कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। यहाँ पे देखिए कितने फोर्सेस है, जरा काउंट करिए, यहाँ पे फोर फोर्सेस है। ये देखिए, ये फोर्स नंबर वन, फोर्स नंबर टू, फोर्स नंबर थ्री, फोर्स नंबर फोर, यहाँ पे फोर फोर्सेस है और सभी फोर फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे। देखिए ये सिंगल पॉइंट से पास हो रहे। तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का डेफिनेशन है व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सभी फोर्सेस अगर एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे तो ऐसे फोर्स सिस्टम को कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और हमें ये सिस्टम में रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब ये रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स माने टोटल फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स, मीन फोर्स, एवरेज फोर्स। तो यहाँ पे जितने भी फोर्सेस दिए हैं, सभी फोर्सेस का टोटल करने के बाद जो एक सिंगल फोर्स बनेगा वो फोर्स माने रिजल्टेंट फोर्स, और ये रिजल्टेंट को R से शो करेंगे। और ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप्स होती है वो हम आपको लिख के दे रहे हैं। हर वो प्रॉब्लम जहाँ हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, हर प्रॉब्लम के लिए वो स्टेप्स हम लिख के दे रहे हैं, वही स्टेप्स से आप हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आइए वो स्टेप्स क्या है वो देखते हैं। तो फाइनली स्टेप्स आपके सामने हैं। कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वहाँ पे तीन कॉमन स्टेप्स होती है, तो वो देखिए स्टेप्स हमने यहाँ लिखी है। तीन स्टेप्स में से पहला स्टेप होता है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जहाँ पे फार्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। सेकंड होता है स्टेप टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इट मीन्स उसका एंगल थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई क्या है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई यहाँ पे हमने दोनों जगह लिखा है, इसका मतलब क्या होता है वो भी हम बताते हैं। और थर्ड स्टेप होता है देखिए पोजिशन फाइंड आउट करना, रिजल्टेंट का पोजिशन। पोजिशन में चार क्वाड्रेंट होते हैं, चार में से कोई ना कोई एक क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट हमेशा होता है। या तो रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको साइन चेक करना है। जब भी आपका समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई सॉल्व करने के बाद जो उसका साइन आता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव पॉजिटिव है,
कि क्या है वो आपको चेक करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको उसका क्वाड्रेंट में आपको पोजीशन शो करना पड़ेगा। तो ये स्टेप्स होती है कोई भी रिजल्टेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हमेशा ये स्टेप्स के थ्रू ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा, चाहे वो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए सॉल्व करना हो या नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए सॉल्व करना है। अभी हम फिलहाल कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के नंबर ऑफ पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ये है, ऐसे हम पहले नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें इजी प्रॉब्लम्स क्या है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम क्या है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल ये स्टेप्स का यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है ये है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम और यहाँ पे हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ प्रॉपरली चेक करेंगे यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे फोर फोर्सेस हैं, ये फोर्स नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे फोर फोर्सेस हैं और ये फोर फोर्सेस में ये जो 20 न्यूटन है ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये जो 30 न्यूटन है ये एक वर्टिकल फोर्स है और ये दोनों जो है वो इंक्लाइंड फोर्सेस हैं। देखिए फोर्स सिस्टम का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सिस्टम में तीन टाइप के फोर्सेस हो सकते हैं। पहला, सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो सकते हैं। दूसरा, सिस्टम में वर्टिकल फोर्सेस हो सकते हैं। और तीसरा, सिस्टम में इंक्लाइंड फोर्सेस हो सकते हैं। वैसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस क्या है, वर्टिकल फोर्सेस क्या है, इंक्लाइंड फोर्सेस क्या है, इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कैसे उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये सब कुछ हमने इसके पहले के वीडियो में कवर किए थे। अगर आपने इसके पहले का वीडियो वो नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वो लिंक पे क्लिक करके आप इसके पहले के सभी वीडियो स्टडी कर सकते हैं और वो आप बिल्कुल स्टडी करिए ताकि आपका रिजोल्यूशन इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आइए फिलहाल यहाँ पे हम वो सब कुछ थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, तो वो हम बताना चाहेंगे। कोई भी सिस्टम सॉल्व करते समय सिस्टम में तीन टाइप के फोर्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस, इंक्लाइंड फोर्सेस। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस माने क्या, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस माने वो फोर्सेस जो पैरेलल टू द ग्राउंड होते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। वर्टिकल फोर्सेस माने क्या, तो वर्टिकल फोर्सेस माने वो फोर्सेस जो अलोंग द वाई एक्सिस होते हैं परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। और इंक्लाइंड फोर्सेस माने क्या, इंक्लाइंड फोर्सेस माने वो फोर्सेस होते हैं जो ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं और ना ही वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं। इट मींस वो ना ही हॉरिजॉन्टल होते हैं और ना ही वर्टिकल होते हैं, वो कुछ ना कुछ डिग्री से इंक्लाइंड होते हैं। ये देखिए ये जो प्रॉब्लम आपके सामने है हमें यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट यहाँ फाइंड आउट करते समय स्टेप्स क्या होती है वो भी हमने यहाँ लिख के दिए। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये स्टेप्स का यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये स्टेप्स का यूज करना है तो यहाँ पे हमने जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई लिखा है उससे आपको आर मिलेगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई से ही आपको थीटा मिलेगा। तो ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई क्या होता है तो वो हम बता रहे, ध्यान से सुनो। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि यहाँ सिस्टम में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, जितने भी ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, वो सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हमें सम करना है, वो सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का हमें एडिशन करना है। जब कभी भी आप सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ऐड करेंगे, तो ऐसे समेशन को कहेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसी तरह से सिस्टम में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होते हैं, जितने भी फोर्सेस जो वाई एक्सिस के अलोंग हैं, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होते हैं, सभी वर्टिकल फोर्सेस को जब आप ऐड करेंगे, जब आप सम करेंगे, तो ऐसे समेशन को कहेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। देखिए यहाँ पे हमने जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई लिखा है वो वही है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने, दिमाग में फिट करो, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। लेकिन इंक्लाइंड फोर्सेस का क्या, देखिए यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्सेस भी है। आप कहेंगे कि सर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन कर लिए, वर्टिकल फोर्सेस का समेशन कर लिए, तो इंक्लाइंड फोर्सेस का क्या, तो इंक्लाइंड फोर्सेस का कभी भी समेशन नहीं होता, ये आप ध्यान में रखिए। वो इसलिए क्योंकि इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल अलग अलग हो सकता है, कोई फोर्स 30 डिग्री से इंक्लाइंड होता है, कोई फोर्स 45 डिग्री से, कोई 50 डिग्री से, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से कोई भी फोर्स इंक्लाइंड होता है, इसलिए इंक्लाइंड फोर्सेस का डायरेक्टली समेशन करना मुश्किल है। इंक्लाइंड फोर्सेस का समेशन नहीं होता इसलिए हमें क्या करना है कि इंक्लाइंड फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब इंक्लाइंड फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है। इसका मतलब इंक्लाइंड फोर्सेस के दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। इंक्लाइंड फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करना, उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना, यानी ही उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करना, इसको कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन।
तो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक में मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यानी वही होता है, इंक्लाइंड फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है यानी ही उसको दो पार्ट में रिजोल्व करना पड़ता है, इसीलिए मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन, क्योंकि इंक्लाइंड फोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करके हमें उसे कंपोज करना होता है, इसलिए मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन। तो आइए फाइनली यहां पे पहले इंक्लाइंड फोर्सेस को हम पहले रिजोल्व कर लेते हैं, इट मींस दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, देन हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और ये सभी स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक वर्टिकल फोर्स है और ये दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस है, ये 15 न्यूटन 60 डिग्री से इंक्लाइंड है और ये 25 न्यूटन 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। और जैसा कि हमने आपको कहा था कि इंक्लाइंड फोर्सेस को दो दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, तो आइए ये इंक्लाइंड फोर्स 15 न्यूटन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इट मीन्स हम इसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इधर शो करेंगे उसका एक कंपोनेंट, ये देखिए, और इधर शो करेंगे एक कंपोनेंट, देखिए ऐसे दो कंपोनेंट्स हम इसके शो कर रहे हैं। और यहाँ पे 25 न्यूटन इंक्लाइंड है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम इसके भी दो कंपोनेंट शो करेंगे। तो ये देखिए, ये हम 25 के भी दो कंपोनेंट शो कर रहे हैं। अब देखिए ये दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड करना ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये 15 न्यूटन जो है ये 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, ये देखिए ये जो 15 न्यूटन फोर्स है ये 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो ये एंगल जो है वो कौन से साइड के अक्रॉस दिया है वो आप ध्यान दीजिए, ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये इधर हॉरिजॉन्टल साइड के साथ दिया है। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स का एंगल या तो हॉरिजॉन्टल साइड के साथ होता है या तो वर्टिकल साइड के साथ होता है, इट मींस या तो उसका एंगल एक्स एक्सिस से अलॉन्ग रहेगा या तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहेगा। तो यहां पे आपको चेक करना है कि ये जो एंगल दिया है 15 न्यूटन का, ये जो एंगल दिया है 60 डिग्री, वो कौन से साइड के साथ है, एक्स एक्सिस के साथ में है या वाई एक्सिस के साथ में है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ में है या वर्टिकल साइड के साथ में है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां पे हम चेक करेंगे, तो ये जो 60 डिग्री का एंगल है ये एंगल ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, तो जो साइड के साथ एंगल है वो कंपोनेंट आपको लिखना पड़ेगा कॉस, तो ये हम लिखेंगे कॉस, कॉस ऑफ 60, और जो साइड के साथ एंगल नहीं है वो कंपोनेंट आपको लिखना पड़ेगा साइन, तो ये हम लिखेंगे साइन ऑफ 60। तो ये देखिए ये हमने क्या किया, 15 के दो कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, इधर लिखे कॉस 60, इधर लिखे साइन 60, लेकिन ये इनकम्प्लीट है तो हम यहां लिखेंगे 15 कॉस 60 और यहां लिखेंगे 15 साइन 60। फाइनली हमने 15 को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, लेकिन ये दोनों का डायरेक्शन शो करो, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है जिसका डायरेक्शन भी होता है, तो ये फोर्स के हम दो कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं तो ये दोनों का डायरेक्शन भी शो करो, तो इन दोनों का डायरेक्शन वही होगा जो 15 का है। 15 क्या है चेक करो, देखिए डायरेक्शन दो टाइप के होते हैं, या तो आउटवर्ड या तो इनवर्ड, फोर्स या तो पॉइंट से दूर जाएगा या तो पॉइंट के तरफ आएगा, तो आपको चेक करना है कि ये 15 न्यूटन क्या है, आउटवर्ड है या इनवर्ड है। अगर ये 15 आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड रहेंगे, और अगर ये 15 इनवर्ड है तो ये 15 के दोनों कंपोनेंट्स भी इनवर्ड रहेंगे, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, तो ये जो 15 है, ये देखिए ये जो 15 है ये पॉइंट से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, इसका मतलब ये 15 आउटवर्ड है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर जा रहा है, तो अगर ये पॉइंट से दूर जा रहा है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी पॉइंट से दूर जाएंगे, इट मीन्स ये दोनों का डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहेगा। तो ये देखिए ये हम शो करेंगे दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये हमने दोनों को आउटवर्ड शो किया है। तो ये देखिए ये हमने दोनों का डायरेक्शन जो है ऐसा आउटवर्ड शो किया है, ऐसा दोनों का डायरेक्शन आउटवर्ड, क्योंकि 15 आउटवर्ड है तो इसके दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो भी आउटवर्ड रहेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ 25 का डायरेक्शन देखिए आउटवर्ड है, तो अगर ये 25 आउटवर्ड है तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड रहेंगे। अब यहाँ पे कॉस और साइन कहाँ लिखना वो भी हम बताते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पे पहले डायरेक्शन दे दिए, ये देखिए डायरेक्शन के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट होना चाहिए वो। तो यहाँ पे हमने देखिए 15 को फाइनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, 15 का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये 15 का वर्टिकल कंपोनेंट, इट मींस ये 15 का एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने लिखे कॉस 60, क्यों लिखे, बिकॉज यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, ये 60 डिग्री का एंगल इधर हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल दिया है, इट मींस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल दिया है, इसलिए हमने क्या किए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस 60 लिखे, यानी एक्स कंपोनेंट कॉस 60 लिखे, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंगल नहीं है तो हमने क्या किया y एक्सिस के अलॉन्ग साइन कंपोनेंट लिखे, जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस लिखना है, ये आप ध्यान में रखिए, जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस। तो यहाँ देखिए 60 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल साइड के साथ है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस 60 और वर्टिकल कंपोनेंट साइन 60, दोनों कंपोनेंट्स कभी भी कॉस नहीं लिखना या दोनों कंपोनेंट कभी भी साइन नहीं लिखना, हमेशा एक साइड में कॉस और एक साइड में साइन। अब
कौन से साइड में कॉस लिखना, कौन से साइड में साइन लिखना, ये भी बहुत सिंपल है। तो हमने जो बताए थे उसके अकॉर्डिंग चलो, जो साइड में एंगल है वो साइड में कॉस लिखो। अगर हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल दिया है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस लिखो, और अगर वर्टिकल साइड के साथ अगर एंगल दिया है तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस लिखो। फिलहाल यहाँ पे 60 डिग्री का जो एंगल दिया था वो ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ दिया था, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टली कॉस 60 लिखे और वर्टिकली साइन 60 लिखे। बिल्कुल उसी तरह से ये 25 को भी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, इट मीन्स उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें उसको रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए आप फिर से उसका एंगल चेक करो। देखिए 30 डिग्री का एंगल है, कौन से साइड के साथ है वो आपको चेक करना है। देखिए ये हॉरिजॉन्टल साइड, ये वर्टिकल साइड, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, तो आपको चेक करना है एंगल हॉरिजॉन्टल साइड के साथ दिया है या वर्टिकल साइड के साथ दिया है। तो ये देखिए ये जो 30 डिग्री का एंगल है ये इधर हॉरिजॉन्टल साइड के साथ दिया है, तो अगर हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है तो क्या करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखो cos और वर्टिकल कंपोनेंट लिखो sin। तो ये हम यहां लिखेंगे cos ऑफ 30 और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे sin ऑफ 30, और ये जो 25 है ये उसके सामने लिखेंगे। तो ये हो गया 25 cos 30 और ये हो गया 25 sin 30। तो फाइनली हमने क्या किया, 25 के दो कंपोनेंट्स निकाल लिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट ये y कंपोनेंट। इधर cos क्यों आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में cos क्यों आया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल दिया है 30 डिग्री, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos और वर्टिकल कंपोनेंट sin। तो फाइनली ये जो सिस्टम है यहाँ पे जो भी दो इंक्लाइंड फोर्सेस थे दोनों इंक्लाइंड फोर्सेस को हमने रिजॉल्व किया है, और अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और अब हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें समेशन ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करना है, देन हमें समेशन ऑफ f ऑफ y फाइंड आउट करना है, देन दोनों को हमें यहां पुट अप करना है तो r मिलेगा, देन वही दोनों को हम यहां पुट करेंगे तो हमें थीटा मिलेगा, देन वही दोनों को हम यहां पे यूज करेंगे तो हमें पोजीशन मिलेगा। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करेंगे जैसा हमने बताए थे, देन हम समेशन ऑफ f ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, और ये बाद में समेशन ऑफ f ऑफ x f ऑफ y का यूज करके हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले समेशन ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट करना है। तो समेशन ऑफ f ऑफ x क्या होता है वो हमने थोड़ी देर पहले बताए थे। समेशन ऑफ f ऑफ x माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, मतलब यहाँ जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम करना है, सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हमें ऐड करना है, सभी का समेशन करना है। लेकिन एडिशन करने के लिए एक रूल है, वैसे यहां पे कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है पहले वो आप चेक करो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहां पे हम काउंट करेंगे तो ये एक 20 न्यूटन, ये 15 cos 60 और ये 25 cos 30, इट मींस यहां पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तीन हैं। तो ये तीनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हमें ऐड करना है, हमें उसका सम करना है। तो ये तीनों को ऐड करने के लिए, समेशन करने के लिए एक छोटा सा रूल है। रूल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो राइट साइड जा रहे हैं उन्हें हमें प्लस लेना है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस प्लस लेना है। अगर राइट साइड जाने वाले प्लस है तो लेफ्ट साइड जाने वाले क्या होंगे, माइनस होंगे, बिल्कुल सही है। तो ये देखिए राइट साइड जाने वाले प्लस लेना है, तो ये देखिए 20 न्यूटन कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो 20 लिखेंगे प्लस में। 15 cos 60 कहाँ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो ये भी हम लिखेंगे प्लस में 15 cos ऑफ 60। और ये 25 cos 30 कहाँ जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस में, तो 25 cos ऑफ 30। और कैलकुलेटर में हम इसको पुट अप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5.849 न्यूटन। पॉइंट के बाद आपको हमेशा थ्री डिजिट लिखना है। तो ये हो गया समेशन ऑफ f ऑफ x जो हमने कैलकुलेट किए। अब हम निकालेंगे समेशन ऑफ f ऑफ y। तो समेशन ऑफ f ऑफ y माने क्या, समेशन ऑफ f ऑफ y माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी ऐसे वर्टिकल फोर्सेस हैं सभी का आपको सम करना है, सभी को ऐड करना है। तो कितने वर्टिकल फोर्सेस है पहले काउंट करो, तो यहाँ पे तीन वर्टिकल फोर्सेस हैं, एक दो तीन, 25 साइन, देन 30 और 15 साइन। तो ये तीनों फोर्सेस को हमें ऐड करना है, प्लस करना है। लेकिन समेशन ऑफ f ऑफ y करने के लिए भी एक रूल है। रूल ऐसा है कि जो फोर्सेस वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं उन्हें आपको प्लस लेना है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस, तो नीचे आने वाले फोर्सेस माइनस। तो यहाँ पे आप अगर प्रॉपरली चेक करेंगे तो तीनों फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं तो तीनों को हम प्लस ले लेंगे। तो देखिए 30 ऊपर जा रहा है तो 30 हम प्लस में लिखेंगे, 15 साइन 60 ऊपर जा रहा है तो ये भी हम प्लस लिखेंगे, और अंत में ये 25 साइन 30 ऊपर जा रहा है तो ये भी हम प्लस में लिखेंगे। और कैलकुलेटर हम डिग्री मोड में रखेंगे और ये पूरा कैलकुलेटर में पुट अप करेंगे तो ये आंसर आएगा 55.49 न्यूटन।
तो फाइनली रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ये जो तीन स्टेप्स होती है, तीन स्टेप्स में आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना सबसे पहले होता है, क्योंकि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के बिना आपको रिजल्टेंट भी नहीं मिलता, यहाँ पे थीटा भी नहीं मिलेगा और पोजिशन भी नहीं मिलेगा। तो वो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई हमने फाइंड आउट कर लिया है। देखिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें मिल चुका है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी मिल चुका है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहाँ पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थे उन्हें हमें ऐड करना था, लेकिन ऐड करने के लिए एक रूल था, रूल ये है कि राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, राइट साइड जाने वाले प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। तो यहां पे हमने क्या किया, 20 न्यूटन जो राइट साइड जा रहा है उसको हमने प्लस में लिए, 15 cos 60 राइट साइड जा रहा है तो उसको भी हमने प्लस लिए, 25 cos 30 लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसको हमने माइनस में लिए, और कैलकुलेटर में ये पुट अप किए तो ये आंसर आया। देन हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाले, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, और समेशन करने का रूल क्या बताए थे, समेशन करने का रूल जो फोर्सेस वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं उन्हें प्लस लेना है, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो यहां पे प्रॉपरली चेक करो, तीन फोर्सेस वर्टिकल थे और तीनों के तीनों ऊपर जा रहे हैं, तो हमने क्या किया तीनों को यहां पे प्लस में ले लिए और आंसर आ गया 55.49। और अब यही दोनों समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का यूज करके हम ये रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करेंगे, थीटा फाइंड आउट करेंगे और पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए सॉल्व करेंगे। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते समय फार्मूला जो है वो हम पहले लिखेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, और अब इसमें हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने 5.849 स्क्वायर और एफ ऑफ वाई माने 55.49 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आपने सॉल्व किए थे यही दोनों हमने यहाँ पे पुट अप किए, और कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 55.797 न्यूटन। तो ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। ये देखिए ये जो मैग्नीट्यूड पहला स्टेप होता है वो हमने सॉल्व कर लिए, अब हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन माने थीटा फाइंड आउट करना है, मतलब रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है। तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, ये हम लिखेंगे टैन इनवर्स ऑफ, मॉड में हमें लिखना है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो टैन इनवर्स ऑफ ये हम लिखेंगे एफ ऑफ वाई माने 55.49 और एफ ऑफ एक्स माने 5.849, और इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा यहाँ पे 83.982 डिग्री। तो फाइनली हमें थीटा भी मिल चुका है, इट मीन्स रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइंड है वो भी हमें पता चल चुका है। तो ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम है ये पूरे सिस्टम में टोटल कितना फोर्स है, इक्विवेलेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स वो है 55.797, और जो भी ये रिजल्टेंट है ये कितना डिग्री से इंक्लाइंड है, तो ये 83.982 डिग्री से इंक्लाइंड है, और ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन। और अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है, पोजीशन माने ये देखिए ये यहाँ पे हमने ये जो लिखा है इसका यूज करके हमें पोजीशन यहाँ पे शो करना है। अब पोजीशन कैसे शो करना वो भी हम बताते हैं। तो रिजल्टेंट का पोजीशन शो करने के लिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि रिजल्टेंट का पोजीशन शो करने के लिए आपको क्या है, ये साइन आपको चेक करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो हमने क्वाड्रेंट वाइज ये जो हमने साइन लिख के दिया है ये आपको चेक करना पड़ेगा। साइन आपको चेक करना है, किसका साइन चेक करना है, आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का साइन चेक करना है। ये आपने जो भी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकाले हैं आपको इसका साइन चेक करना है। तो आइए चेक करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर देखिए ये आया था, और ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का ये जो आंसर है ये पॉजिटिव में है, इसका साइन प्लस है, और ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इसका भी ये जो आंसर है ये पॉजिटिव में है, एफ ऑफ एक्स का आंसर भी पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई का भी आंसर पॉजिटिव, ये भी प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस। तो वहां पे जो हमने पोजीशंस लिख के दिए वहां पे चेक करो कि प्लस प्लस अगर है तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा और हमें क्या शो करना है। तो ये देखिए अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे ये देखिए प्लस प्लस अगर है, प्लस प्लस अगर है तो ये आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, इसका मतलब रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए साइन के ऊपर पूरा खेल है, तो फिलहाल हमारा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई पॉजिटिव पॉजिटिव था, इसलिए हम ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हम अब कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हम पोजीशन शो करेंगे। तो ये हमने बनाया वाई एक्सिस, ये हमने बनाया एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमें रिजल्टेंट शो करना है, और रिजल्टेंट का एंगल 83 है, तो ये 83 जहाँ रहेगा उसी के आसपास आपको शो करना है। तो ये हमने शो किए, यहाँ पे एंगल लिखेंगे 83.982 डिग्री, और रिजल्टेंट का वैल्यू यहाँ लिखो 55.797
न्यूटन। और ये आपको जो है वो रफली ड्रॉ करना है, यहाँ पे ये जो भी एंगल है ये आपको प्रोटेक्टर से मेजर करने की वगैरह जरूरत नहीं है, ये जो भी डायग्राम है आपको रफली ड्रॉ करना है। तो फाइनली ये पोजीशन हमने शो की है। तो फाइनली इस तरह से ये कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन था फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजिशन। तो ऐसे में आपको रिजल्टेंट का मैग्नेट्यूड, डायरेक्शन, पोजिशन तीनों चीजें फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे देखें, ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिया था, सबसे पहले हमने इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व किए, देन हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाले, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाले, देन ये दोनों को हमने यहां पुट अप करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाले, यहां पे हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई पुट करके रिजल्टेंट का एंगल निकाले, और यहां पे हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का जो साइन है उसका यूज करके हमने रिजल्टेंट का पोजीशन निकाले। और हमें पता चल चुका है कि रिजल्टेंट ये 83.982 डिग्री का एंगल यूज करके रिजल्टेंट ऐसे जाएगा। इट मींस ये पूरे रिजल्टेंट, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरे सिस्टम का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा 83.982 डिग्री का यूज करके ऐसा जाएगा, ये कंफर्म हो चुका है। तो ये था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन का फर्स्ट प्रॉब्लम, और ये आज फर्स्ट लेक्चर था मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन का। इसके बाद हम और भी वीडियोस आपके लिए लाएंगे जिसमें हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी कवर हो जाएगा और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम भी कवर हो जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस रेगुलरली देखते रहिए, और इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसके पहले के सभी वीडियोस स्टडी कर सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।